फ्रेंड्स, आम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य, शुक्र और केतु की कंजंक्शन के बारे में, और सूर्य और शुक्र की सीरीज में ये लास्ट कंजंक्शन है। कल से हम दोबारा टॉरस लगन पे काम करेंगे और टॉरस लगन में मार्स की प्लेसमेंट की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं कि सन, वीनस एंड केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी लगन चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं, तो आपको क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य और शुक्र के बारे में हमने काफ़ी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि इनसे जो है किन किन चीज़ों को ये सिग्निफाई करते हैं या किन किन चीज़ों से इनका संबंध है। अब केतु जो है वो एक बहुत ही मैलेफिक एनर्जी है। केतु का संबंध प्राइमरली प्रॉब्लम से है, ट्रबल से है। हालांकि केतु मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर अग्रसर होने के लिए ये प्लैनेट बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, हमारे लाइफ में एम्बिशंस जो है मोस्टली मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस होते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो या हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर केतु के रिजल्ट्स हमें ज़्यादातर अच्छे नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा ही खराब रिजल्ट्स देते हैं। केतु अगर वेल प्लेस्ड हो, किसी अच्छे नक्षत्र में हो और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा पड़ा हो, तो केतु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी मिलते हैं, राजयोग भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि केतु कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ बुरे रिजल्ट्स भी देता है, क्योंकि वो केतु की ओरिजिनल नेचर है। क्योंकि केतु का प्राइमरी मोटिव ये रहता है कि इस इंसान को मैं दुख, दर्द, परेशानियां देके अपनी मटेरियलिस्टिक जो इसकी लाइफ है उससे डिटैच करके इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाऊं, और उसके लिए वो फिर परेशानियां देता है। तो दोस्तों, अब केतु का संबंध जो है ट्रबल्स के अलावा सेपरेशन से है। केतु का संबंध जो है हमें एक डिटैचमेंट की फीलिंग देता है। डिटैचमेंट किस से? हमारे रिश्तों से, हमारी वर्ल्डली चीजों से, अटैचमेंट से। और ये चाहता है कि हम एकदम सारे रिश्ते नातों से अलग होके और दूर चले जाएं, और कहीं ना कहीं हम अपने अल्टीमेट जो हमारा सोर्स है उससे कनेक्ट करें। अल्टीमेट सोर्स जहां से हम आए हैं, यानी कि मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ। तो अब ये मॉडर्न टाइम्स में केतु की एनर्जी जो है ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड मटेरियलिस्टिक गेन्स। अब केतु सूर्य जैसे रॉयल प्लैनेट के साथ आ गया, अंधेरे का कारक है। अगर केतु सूर्य के साथ आ जाए किसी हाउस में, तो ग्रहण योग बनता है, एक्लिप्स बनता है। जितनी केतु नजदीक होगा सूर्य के, उतना ये माना जाएगा कि सन जो है बिल्कुल एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो है इस चार्ट में लगा हुआ है। यानी कि हम मान सकते हैं कि अगर सूर्य एक हाउस में 30 डेज, मतलब रफली 25 से 30 दिन तक रहता है, अगर सूर्य एक महीना एक हाउस में रहता है तो एक दिन में 1 डिग्री वो चलता है। और केतु का स्टे लंबा है एक ही हाउस में। अब देखिए, सूर्य कहीं ना कहीं केतु को क्रॉस कर जाएगा, केतु कहीं भी होगा उस हाउस में। अब सूर्य अगर उससे लोअर डिग्री में है, तो डेफिनेटली आफ्टर 2-3 डेज इट विल क्रॉस दी केतु। व्हेन इट इंटरसेक्ट दी एनर्जी ऑफ केतु, तो ये एक एक्लिप्स बनाता है। तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि केतु 8 डिग्री का पड़ा हुआ है, सूर्य 6 डिग्री का पड़ा हुआ है एक हाउस में, तो 2 दिन पर इसमें एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स का योग बनेगा। रेयर बनते हैं, लेकिन बनते हैं।
और अगर बिल्कुल दोनों की डिग्री बिल्कुल ही इक्वल है, यानी कि मिनट्स भी और डिग्री भी और मिनट्स भी, तो इसका मतलब वो ग्रहण लगा हुआ है। सेकंड्स में मिल गए तो ग्रहण में ही बच्चा पैदा होता है सोलर एक्लिप्स में। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ये एक ग्रहण योग है। और एक उजाले के प्लैनेट के सामने एक अंधेरे का प्लैनेट आ जाना, तो ये अशुभ फल ही देता है। अब अशुभ फल किस में देगा? सूर्य के सिग्निफिकेशन में देगा। यानी सूर्य जिस जिस चीजों को दर्शाता है, सूर्य का संबंध जिन जिन चीजों से है, वहां पर अशुभ फल देगा। और शुक्र क्या है? शुक्र हमारी रिलेशनशिप है, लव है, सेक्स है, अपीयरेंस है, ब्यूटी है, मौज मस्ती है, घूमना फिरना है, यारी दोस्ती है। और शुक्र से हम खाना पीना भी देखते हैं, एक वैभव है। शुक्र से हम अपने जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो शुक्र से ही हम रिलेट करते हैं। और शुक्र के साथ भी केतु बैठ गया, तो केतु जितना नजदीक शुक्र के होगा उतनी हमारी इन चीजों में कमी पैदा कर देगा। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, अगर ये कंजंक्शन का गैप 3 डिग्री से 10 डिग्री तक है तो आपको इससे अच्छे खासे फल मिलते हैं। अगर ये गैप 1 डिग्री से नीचे है तो इसके बुरे फल मिलेंगे। 1 से 3 डिग्री तक भी इसके ज्यादा बुरे फल मिलते हैं। लेकिन अगर ये गैप किसी भी प्लैनेट का एक दूसरे से 1 डिग्री से भी कम है, यानी कि सपोज हम मान लेते हैं सूर्य यहां पर 8 डिग्री का बैठा हुआ है और शुक्र जो है 7 डिग्री और 30 मिनट का बैठा हुआ है, तो 1 डिग्री से कम का गैप हो गया ना, तो यहां पर बुरे फल मिलेंगे। ऐसे ही केतु की डिग्री भी आप चेक कीजिए, केतु किसके नजदीक है, किससे दूर है। जिसके ज्यादा नजदीक होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको गलत फल मिलेंगे, जिससे ज्यादा दूर होगा वहां थोड़ा सा बचाव है। अब गलत फल क्या मिल सकते हैं, हम जल्दी से इस पे आते हैं। देखिए, अगर केतु सूर्य के नजदीक बैठ गया तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर पैदा कर देगा। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो खिल के सामने नहीं आएगी, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, करेज की कमी रहेगी। हम किसी को करेजियसली ये नहीं बोल सकते, यार आई एम सो एंड सो, आई एम वर्किंग एट सच एंड सच। हम बहुत ही, यानी कि बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही ह्यूमिलेटिव होंगे। हम कहेंगे हाँ यार मैं वहाँ काम करता हूँ, और ये बहुत ही मतलब लो हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी। बिकॉज केतु जो है सूर्य का जो करेज है उसको उससे डिटैच कर देगी। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कुछ कमी रहेगी, हम अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगे, यानी कि वी विल नॉट कंसीडर अवर सेल्फ वर्दी टू एनी टास्क। अगर बहुत क्लोज कंजंक्शन है तो, अगर थोड़ी सी दूर है तो भी इस तरह की फीलिंग रहेंगी, लेकिन ये फीलिंग कम रहेंगी थोड़ी सी। और फिर अगर सूर्य से हम पिता का संबंध देखते हैं तो पिता के संबंधों में भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। सूर्य से हम अपना कैरियर देखते हैं तो हमारे कैरियर को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, हमें लोगों से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, फेम नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है। हमारी आईसाइट भी वीक कर देगा, हमें चश्मा चुश्मा लगवा देगा ये। सूर्य जिन जिन चीजों को हमारी हेल्थ में दर्शाता है, यानी हमारी वाइटैलिटी, उसमें वीकनेस पैदा कर देगा। विटामिन डी हमारी बॉडी में कम कर देगा अर्ली इयर्स में, मतलब मिड लाइफ से पहले ही। हमारी कहीं ना कहीं बोन्स में, सातवें घर में बैकबोन वगैरह देख, बैकबोन में पैदा कर देगा, क्योंकि सूर्य से बैकबोन भी देखते हैं, सूर्य से हार्ट भी देखते हैं। अगर इसका कनेक्शन चौथे घर से हो गया हार्ट में प्रॉब्लम कर देगा, पांचवें घर से हो गया पेट में प्रॉब्लम कर देगा, आठवें घर में ये अगर संबंध हो गया तो हमारी कहीं ना कहीं हिडन जो हमारे ऑर्गेन्स होते हैं उनमें पैदा कर देगा, यानी कि मेल में प्रोस्टेट, किडनी वगैरह और पेनक्रियाज, और उसमें आपका फीमेल के चार्ट में यूट्रस या ओवरी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा कर देगा। लेकिन अगर ये कंजंक्शन क्लोज हुई तो, अगर थोड़ा सा गैप है तो भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन लाइट प्रॉब्लम्स होंगी, वी विल लिव विद द प्रॉब्लम्स, लेकिन ठीक है, विल मैनेज इट। अब देखिए, सूर्य से और जितनी भी हम चीजें देखते हैं,
हमारे बॉस देखते हैं, उसमें दिक्कत पैदा कर देगा, बॉस से हमारी बनेगी नहीं। हम गवर्नमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी। किसी भी तरीके से जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में जो भी गवर्नमेंट का एक्शन एक्टिविटीज होंगी, यानी कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें हरासमेंट हो सकती है, कुछ नोटिसेस मिल सकते हैं, कुछ हमारी हाजिरियां लग सकती हैं सरकारी दफ्तरों में, कुछ पेनल्टीज आ सकती है, यानी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रहेगी या कम रहेगी, बहुत कम, या हमें स्ट्रगल रहेगा गवर्नमेंट के साथ डील करने में। और पॉलिटिशियंस और अथॉरिटेटिव लोगों से हमारी बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ टसल रहेगा। और हमारा कैरियर 35 साल के बाद जाके, यानी कि थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगेगा। ये सब चीजें अगर केतु सूर्य के ज्यादा नजदीक है तो ये फल मिल सकते हैं। और अगर केतु वीनस के ज्यादा नजदीक हो गया तो वीनस से हम देखते हैं हमारे रिलेशनशिप्स, इसमें ये बाधा डालेगा, यानी कि हमारे रिलेशनशिप लोगों से अच्छी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, हमारी वाइफ के साथ संबंध ठीक नहीं चलेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ हमारा लव अफेयर होगा ही नहीं, तो ठीक ना चलने का तो क्वेश्चन ही बाद में है। हाँ, अगर थोड़ा गैप है तो मतलब लव लाइफ में हम घुसेंगे और टूट जाएगी। और अगर एक डिग्री से नीचे के गैप में बैठे हुए हैं केतु देव या वीनस से, तो हमारी लाइफ में किसी लड़की का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा क्लोज कंजंक्शन होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और फिर वाइफ के साथ भी हमारी रिलेशनशिप में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, देयर वुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ मिस्टरीज रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी इफ केतु इज वेरी नियर टू वीनस। अब हम देखो इसके बुरे फल इसलिए आपको बता रहे हैं, ये कंजंक्शन एक डिग्री से कम होनी चाहिए तब ये फल मिलेंगे। अब 3-4 डिग्री में है, 5 डिग्री का गैप है, तो आपकी लाइफ चलेगी, आपकी लाइफ में सब चीजें, रिश्ते भी चलेंगे, लव लाइफ भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन विद डेफिशिएंसी चलेगा, उसमें कुछ कुछ कमियां आपको जरूर मिलेंगी, प्रॉब्लम्स मिलेंगी। और अगर ये गैप 10 डिग्री से, जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम डाइल्यूट होती चली जाएंगी और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रखें लाइफ को फेस करने के लिए। अब देखिए केतु का संबंध, वीनस का संबंध हमारी लग्जरी से है, फैशन से है, अपीयरेंस से है, अच्छे कपड़ों से है, वो उन चीजों में भी केतु आपको थोड़ा सा कमी देंगे। आपको सुख सुविधाएं मिलते मिलते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, यानी कि 35 साल के बाद आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। वीनस से हम लग्जरी व्हीकल्स देखते हैं, आप लग्जरी व्हीकल्स लेने में भी थोड़ी, हाँ दूसरे प्लैनेट्स का रोल भी रहता है, ये मैं नहीं कहता, दूसरे प्लैनेट अगर बहुत ही अच्छे हैं आपके चार्ट में तो वो उन चीजों को कुछ ना कुछ ब्लेस कर देंगे जिन चीजों में यहां पर कमी आएगी। लेकिन हम अगर हम इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाले फल मिलेंगे और रिश्ते हमारे चलाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। वीनस से हम अपने फिजिकल रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी देखते हैं, उसमें भी दिक्कत रहेगी। अब दोस्तों वीनस से वेल्थ भी देखते हैं, वेल्थ के मैटर्स में भी हमें काफी डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे। और फैमिली भी देखते हैं, फैमिली के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वीनस का संबंध हमारी फैमिली से, वेल्थ से और पार्टनरशिप से है, यानी कि हमारे स्पाउस से है और प्रोफेशनल पार्टनरशिप से है, वहां भी दिक्कत। तो कहने का मतलब ये है ये कंजंक्शन कोई बढ़िया कंजंक्शन नहीं, ये बेकार कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन हमारा ऐसा दर्शाती है कुछ कार्मिक बैकलॉग हम लेके आए हैं, इस जन्म में हमने भोगना है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसमें आपको और इनसाइट देते हैं कि इस कंजंक्शन के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। ये दोस्तों इस कंजंक्शन के अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर आपका रिलेशनशिप में कुछ स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो, स्पिरिचुअलिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि अगर आपने अपना पार्टनर किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करते हुए, कहीं मंदिर मस्जिद जाते हुए, कहीं
आप किसी गुरु आश्रम में जाते हुए अगर आपका संबंध हुआ है तो इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप। कई लोगों का हो जाता है भाई, ठीक है, बड़े बड़े गुरु हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनके आश्रम में, वहां पर उनके लोग फॉलोअर्स भी हैं, वहां जाते भी हैं, वहां जाने पे अगर आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है और वो आपकी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस कंजंक्शन में वो रिलेशनशिप आपकी काम करेगी, क्योंकि वो केतु ने वो संबंध बनवाया है आपका। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है, वाइफ है, वो अगर स्पिरिचुअल माइंडेड है तो भी रिलेशनशिप काम करेगी, आप अगर स्पिरिचुअल माइंडेड हो तो भी काम करेगी। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका जरूरी है इस कंजंक्शन के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। या फिर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, या फिर आप किसी सॉलिट्यूड में काम करते हो, अकेली जगह पर काम करते हो जो सिविलाइजेशन से कटी हुई है, या आप किसी आश्रम में आपकी नौकरी है, या आप किसी बहुत आश्रम में, या किसी आप जेल वगैरह में इम्प्लाई हो, या फिर आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हो, ऐसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो जो अच्छे कामों में इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें केतु के जूरिसडिक्शन में आती हैं और इसीलिए ही केतु आपकी आपको अच्छे फल देता। अब केतु आपके कैरियर को भी देख लेंगे, आपके रिलेशनशिप को भी देख लेंगे, अगर आप केतु का ही काम कर रहे हैं, केतु इज हैप्पी। या इस कंजंक्शन में अगर आप नॉर्मल वर्ल्डली अफेयर्स में हैं, नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि किसी कुत्तों के एनजीओ वगैरह में रेगुलरली डॉग फूड सप्लाई करना चाहिए, या स्ट्रे डॉग्स को फीड करना चाहिए। आप जितने कुत्तों की सेवा करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स केतु देव देंगे, क्योंकि कुत्ते जो है वो केतु की एनर्जी को होल्ड करते हैं। इफ यू लव डॉग्स देन केतु विल बी हैप्पी एंड ही ब्लेस यू। और केतु जब ब्लेस करता है तो बहुत ब्लेस कर देता है। और दूसरी इसमें जो इनसाइट है वो ये है कि अगर ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, अब एक ही नक्षत्र में तभी बनेगी जब ये क्लोज कंजंक्शन है, यानी कि तीन नक्षत्र मिलते हैं इसमें और एक नक्षत्र का गैप 3.2 डिग्री तक फैला होता है, यानी कि आपका तीन नक्षत्र मिलते हैं और एक चरण तीन नक्षत्र 30 डिग्री, यानी कि 10 करीब करीब 10 डिग्री तक एक नक्षत्र मिलता है, और फिर उसके 10 डिग्री में उसको हम डिवाइड करते हैं उसके चरण, एक 10 डिग्री में चार चरण में उसका डिवीजन होता है, यानी कि एक नक्षत्र समझो कि 10 डिग्री का। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नक्षत्र ही एक साइन में 10 डिग्री का हो, किसी के दो चरण मिलते हैं, किसी के तीन, किसी के चार। तो अगर ये कंजंक्शन एक ही किसी नक्षत्र में है, चाहे उसके चरण अलग अलग हों, और उस नक्षत्र का लॉर्ड वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि वहीं जैसे शुक्र सूर्य के किसी नक्षत्र में ये कंजंक्शन बन गई, तो वो प्लैनेट पावरफुल हो जाएगा और वो अपने अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। यानी कि सपोज शुक्र के ही नक्षत्र में ये कंजंक्शन बन गई, अब केतु क्या है, शुक्र का इन्फ्लुएंस केतु पे आ गया, सूर्य का भी सूर्य पे भी शुक्र का इन्फ्लुएंस आ गया, अब वीनस बिकम्स पावरफुल। अब सपोज हम 9 नंबर में ये कंजंक्शन सपोज पूर्व शाडा नक्षत्र में बन गई, 9 नंबर साइन में, 9 नंबर में केतु एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन अब शुक्र का होल्ड यहां पर हो गया इस कंजंक्शन पे, अब शुक्र का होल्ड है तो शुक्र से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिलेंगी, क्योंकि शुक्र का होल्ड आ गया। सन से भी वो अपना काम, ऐसे आप समझो कि सूर्य और केतु शुक्र के घर में ही बैठे हुए हैं और शुक्र जैसा चाहेगा इनसे काम ले लेगा। तो अगर शुक्र
किस चीज का कारक है, किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो चीजें आपको मिलेंगी। और ऐसे ही ये कंजंक्शन सूर्य के नक्षत्र में बन गई, यानी कि 5 नंबर साइन में सुपोज पूर्व उत्तर फाल्गुनी मिलता है एक नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी में बन गई, तो सूर्य का नक्षत्र है। तीनों अगर उत्तर फाल्गुनी में बैठ गए तो अब सूर्य पावरफुल हो जाएगा, सूर्य का सिग्निफिकेंस आपको पूरा मिलेगा, ब्लेसिंग्स पूरी रहेंगी, क्योंकि केतु को भी सूर्य जो है यहां डोमिनेट करेगा। हालांकि केतु बहुत पावरफुल प्लैनेट है, हम ये नहीं कह रहे केतु, लेकिन जब ये किसी एक ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र वो भी वहीं बैठा है तो नेचुरली उसका होल्ड अपर हैंड रहेगा। सूर्य के घर में केतु बैठा है और सूर्य के घर में शुक्र बैठा है तो सूर्य की चलेगी ना, कॉन्स्टेलेशन इज जस्ट लाइक ए हाउस। और ऐसे ही अगर ये केतु के ही नक्षत्र में सारे प्लैनेट बैठ जाएं तो फिर तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, फिर तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, बहुत अच्छे काम करोगे, कोई एनजीओ वनजीओ चला सकते हो, कोई सोसाइटी के लिए बढ़िया काम कर सकते हो, पूजा पाठ मेडिटेशन ये वो सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगी आएंगी। अब केतु का नक्षत्र क्या है, केतु का नक्षत्र अश्विनी है, माघा है, मूला है, मूला में नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंजंक्शन 9 नंबर साइन में मूला में बन गई तो बड़ी ट्रबल्स देगी, मूला नक्षत्र बहुत ही गलत नक्षत्र, माघा में बन जाए, अश्विनी में बन जाए तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की का भाव रहेगा आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में। तो इस तरीके से होल्ड उसी प्लैनेट का हो जाता है जिसके नक्षत्र में ये कंजंक्शन बनी हुई होती है, या ये कंजंक्शन किसी ऐसे नक्षत्र में बनी हुई है जिसका लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड है। अब चंद्र के नक्षत्र में बन गई ये कंजंक्शन और चंद्र एग्जॉल्टेड साइन में पड़ा हुआ है तो फिर तो मजे ही आ गए, सन मून आपको वेल्थ से नवाज देगा। अगर ये कंजंक्शन गुरु के नक्षत्र में बन गई और गुरु एग्जॉल्टेड है, या गुरु यूं कहना चाहिए किसी अच्छे हाउस में है, तो भी आपको बहुत चीजें दे देगा। तो दोस्तों हर कंजंक्शन को स्टडी करने के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं, हमने आपको उस उनमें से कुछ ही डिस्कस किए हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। अगर ये रिजल्ट्स आपको इस तरह के नहीं मिल रहे तो यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज गुड इन दिस कंजंक्शन, इन योर कंजंक्शन व्हाट इज गुड। गुरु का एस्पेक्ट अच्छा बना सकता है, ठीक बना सकता है, तो कंजंक्शन को इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन ऑफ 3 प्लैनेट्स। और फिर ये प्लैनेट्स किसी ना किसी हाउस से बिलोंग भी करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी आपको मर्ज करने पड़ते हैं, जिस राशि में है जिस हाउस में उसके भी मर्ज करने पड़ते हैं। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन फिर भी दिस इज द वे, आई मीन वी लर्न स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कुछ हम आपको बता देते हैं, कुछ आप स्टडी भी करते हैं, तो उससे आपका दिमाग जो है खुलता रहता है एंड आई मीन डिफरेंट आइडियाज कम इन टू योर माइंड एंड यू एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली। एस्ट्रोलॉजी को ऐसे ही समझा जा सकता है, अदरवाइज अगर एस्ट्रोलॉजी में हम सारे पॉइंट्स को पकड़ते रहें तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, आप छोड़ दोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन, आप कहोगे यार इज अ मैस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, वी आर इंक्रीजिंग आवर सब्सक्राइबर्स आई मीन ऑन ए फास्ट पेस, प्लीज सपोर्ट अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नंबर इज 9899105355, इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी कंसल्टेशन we are there, you can just contact us and have a word. Thank you very much, thanks a lot.